मेरे भाई आज है हमारे पास ये प्रेस्टीज की जो कि इंडक्शन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंडक्शन दिखाऊं तो आप देखिएगा, ये है प्रेस्टीज की इंडक्शन। जैसे कुछ इस तरह की प्रेस्टीज की इंडक्शन आती है, और इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी मोसफेट ख़राब है। जैसे ज़्यादातर इंडक्शन में आपका मोसफेट का ही प्रॉब्लम आता है, ये वाली मोसफेट लगी रहती है, ये वाली मोसफेट ये जो ख़राब है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये भी चूज होता है कि मतलब कितने मोसफेट में अलग अलग तरह के नंबर लगाए रहते हैं, जो कि सेम अकॉर्डिंग सेम नंबर मिल जाती है, लेकिन कितने मोसफेट में आपको कुछ इस तरह के अटपटे नंबर दे दी जाती है जो कि शायद नहीं मिलती है। जैसे इसी मोसफेट को देख लिया जाए तो इसमें लगाए हैं आपका 15T120, जो कि शायद तर हमको मार्केट में नहीं मिल रही है। तो मैं आज इसके जगह पर एक दूसरा मोसफेट यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ और गारंटी के साथ चलती है मोसफेट। मैं पहले से भी यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपके नंबर नहीं मिल रहे तो उस सिचुएशन में आपका कौन सा मोसफेट ले सकते हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि सारी की सारी इंडक्शन में आपको एक ही तरह के मोसफेट लगाई जाती है, सबसे ऊपर होते हैं आपका वाट। जैसे मान लीजिए आपका अदरवाइज़ आप इंडक्शन की ये आपको मोसफेट नहीं मिल रही है, भाई जब अगर आप दूसरी मोसफेट लगाते हैं तो उस टाइम तो आपका इंडक्शन चालू हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ कि उस टाइम इंडक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस पर लोड जाएगी, यानी कि वो नॉर्मल रहेगी तो चालू रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर लोड डालेंगे तो तब उस सिचुएशन में आपकी इंडक्शन काम करना बंद कर देगी, यानी कि फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर से आपका मोसफेट शट आउट हो जाएगा। तो मैं आज ऐसे मोसफेट के नंबर के बारे में बताऊंगा जो कि लोड पे भी चलेगी और ऑनलोड तो आपका चलता ही चलता रहेगा, यानी कि जो कंपनी यूज़ करती है उसके साथ साथ मैं आपका ये ऐसे आप इस तरह की मोसफेट के आपका नंबर बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम की होने वाली है, जो कि आप शायद सभी की सभी मतलब कि इंडक्शन में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल मोसफेट होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार कौन से इसमें मोसफेट लगाने से आपकी इंडक्शन में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी रिपेयर और सबसे पहले इसकी चेकिंग कर लेते हैं कि क्या हमारी मोसफेट डेड है या सही है। तो मोसफेट की हमारी ट्रैकर हो जाती है और मोसफेट को मैंने यहाँ रखता हूँ। सबसे मतलब इस वीडियो बनाने का मेन मकसद हमको इस चीज़ से आगाज़ भी करना था कि हाँ आप भी इस चीज़ को समझें। तो जैसे आप देखेंगे कि हमारी मोसफेट अभी शॉर्ट है, यहाँ पे तीनों से तीनों मतलब तीनों के तीनों लाइन से हमारी शॉर्टपुट आ रही है, ऐसे आउटपुट शॉर्ट आ रही है। तो सबसे पहले हम इस मोसफेट को यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उसके बाद में तो हमने इस मोसफेट को यहाँ से हटा दिए हैं। ये वाली मोसफेट हमारी पुरानी हो जाती है, इसको फेंकते हैं। और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्लास्ट भी हुई है, यानी कि हमारी ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो कि यहाँ फ्यूज़ लगाई रहती है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए, ये प्रोटेक्शन के लिए हमारी ये फ्यूज़ भी डेड हो चुकी है। तो हम इस फ्यूज़ को अब मतलब फ्यूज़ लगाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पर जम्फर करेंगे, जो कि मोटी वायर से जम्फर करेंगे ताकि हमारी लोड पर परफेक्ट रूप से चलती रहे। तो ये हमारी जम्फर हो चुकी है, अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मोसफेट। तो मोसफेट का नंबर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि एक ऐसा मोसफेट है जो कि हर एक मतलब किसी भी इंडक्शन में आप आसानी से लगा सकते हैं। मोसफेट का नंबर हो जाएगा आपका 25N120, आप आसानी से देख सकते हैं किसी भी मार्केट में और किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाती है। इसकी एम्पियर बहुत ही हाई होती है, क्योंकि अदरवाइज इसके एम्पियर की तुलना में बात करूँ इस मोसफेट की, यानी कि 25N120 के तुलना में, तो 25N120 बहुत ही हाई मतलब बहुत ही हाई एम्पियर की हो जाती है। और जैसे 15T120 है, 15T120 के एम्पियर कम होती है, और जैसे ही आप नंबर को बदलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एम्पियर होता है, यानी कि इस मोसफेट से आप अगर कम एम्पियर का मोसफेट ले लेते हैं तो आपकी मोसफेट नहीं चलेगी। तो ये बहुत ही हाई मतलब कि सबसे लास्ट नंबर यही आती है जो कि आपको इंडक्शन में यूज़ होती है, 25N120। तो मैं 25N120 को इसमें फटाफट से इंस्टॉल करता हूँ और इसी मोसफेट के सहारे मैं किसी भी इंडक्शन को आसानी से रिपेयर कर लेता हूँ। ये आपके लिए भी यूज़फुल मतलब सबसे यूज़फुल मोसफेट होने वाली है, जो कि आपके लिए भी ये जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मोसफेट लगा करके आप हीटसिंक को बराबर से कस लीजिए, क्योंकि अगर आप फिटसिंग नहीं करते हैं तो शायद आपकी फिर से इंडक्शन की मोसफेट जलने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये मैंने मोसफेट इसमें लगा दिए हैं, जो कि यहाँ पे पेस्ट बची थी उसको हटा दी है। अभी इसकी फाइनल कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि हमारी इंडक्शन चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये हमारी मतलब इसका कॉइल का कनेक्शन नहीं करेंगे, ओनली अगर सप्लाई आ जाती है तो हमारी मोसफेट परफेक्ट रूप से काम कर रही है। तो अभी हम सप्लाई दिए, सप्लाई के बाद आप देखेंगे कि लाइट हमारी आ चुकी है, सारी की सारी मतलब एरर काम कर रही है। हमारी सेंसर भी अभी नहीं जुड़ी है इसलिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि सेंसर का वायर मैंने नहीं जुड़ा है, ये ओनली मोसफेट बताने के लिए हमने लगाया था। फ़ैन भी हमारी चालू हो चुकी है और एरर जीरो का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारी उस पर प्लेट पर कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आपकी मोसफेट ख़राब हो जाती है तो इस तरह से आप इसी नंबर को इसमें आसानी से डाल करके सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि मोसफेट की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी है। समझ में आ चुकी है तो प्लेट वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलता है नए वीडियो में, तब तक आपका